Let's start so last class में जैसे हर class में मैं जो करता हूँ कि पहले का जो class है उसका एक recap मान लेता हूँ ताकि वो सारा का सारा जो segments है वो हम लोग के नज़र में आ जाए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं. सो पहले क्लास में हम लोग तो जो डिस्कस किया था कि ओके फाइन विल स्टार्ट विथ आवर प्लानिंग, एक ब्लॉग बनाना था, एक कुछ प्रोसेस हम लोग दिखाया था कैसे कैसे काम करते हैं. सेकेंड क्लास में हम लोग उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. हम लोग क्या जो ब्लॉग हम लोग का बना हुआ था फर्स्ट डे में, we have run the some systematic process like we learn how to change the logos, how to change the menus, how to post, how to edit the architectures on the existing blocks, and we also implement over there analytics and webmasters jo bahut important hai. Analytics aur webmasters bhi hum log usme set kar diye the, hum log wahan pe implement kar diye the. Aur analytics aur webmasters ye implement karne se kya fayda hoga, I think if we check today, almost I think 7 days तो हो चुका है, 6 days से 7 days हो चुका है. So in that cases, right now if we check ना, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखेगा. मतलब कुछ बंदा अगर आपकी साइट किसी ने विजिट किया है, कहाँ से विजिट किया, सारा हिस्ट्री वहाँ पे पता चल जाएगा. And that is basically it takes 24 hours and to give you the stars evolving on your websites and getting the data, and then it shows the data on your analytics account. So analytics में और webmaster में हम लोग कर चुके थे. नेक्स्ट हम लोग क्या किया, जो टाइम हम लोग को मिला था उसमें वी ट्राई टू स्टार्ट अर्निंग. जैसे मैंने बोला था कि सेकंड क्लास से आपको अर्निंग स्टार्ट होगा, सो मैंने क्या किया, अमेजन से वो एफिलिएट जो था वो एफिलिएट कैसे अप्रूवल मिलता है एंड हाउ टू पुट एंड व्हाट टू पुट, व्हाट टू चूज, व्हाट नॉट टू चूज, दैट मैंने एक्सप्लेन किया था मेरा क्लास में. एंड मैंने अमेजन का एफिलिएट ले लिया था. एफिलिएट लेने के बाद मैंने वहाँ पे दिखा था कि वहाँ पे उसमें डैशबोर्ड में जाके कैसे आपको एक बैनर कैप्चर करना होता है, कैसे एड बैनर करके आपके ब्लॉग में लगा सकते हो, और क्या क्या डूज एंड डोंट्स है वो भी मैंने शेयर किया था कि अमेजन में आपने ले लिया, आपने वो अगर वो कर रही हो कि आपकी मशीन से ही आप अमेजन ओपन है, कुकीज में आपका अमेजन का एफिलिएट का जो साइन इन कर रहे हो उसकी हिस्ट्री है, और आपने आपके अकाउंट से ऑर्डर मारे, सो एफिलिएट का आपको फायदा नहीं मिलेगा. मतलब वो डिस्काउंट्स जो और जो भी कमीशन जो है आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेजन से ये एफिलिएट प्रोग्राम्स इज फॉर द यू आर प्रमोटिंग अबाउट द अमेजन एंड देन पर्टिकुलर अमेजन से इज गिविंग अ सम अमाउंट ऑफ कमीशंस अप टू 12%. कहीं पे 1% मिलता है, कहीं पे 10% मिलता है, 12%, 8% डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. कुछ कुछ कैटेगरी में वो डिफाइन किया हुआ है. सो उसमें क्या होता है कि आप आपके लिए कर रहे हो, सो वो पर्टिकुलर्स नहीं है, उसके लिए वो नहीं है, वो है आप प्रमोट कर रहे हो दूसरे से. सो वो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर घर में अगर आप कुछ आपके, क्योंकि ये फायदा का चीज़ है, आप अगर अमेजन का रियली यूज मतलब स्मार्टली अगर यूज कर रहे हो, सो यहाँ पे काफ़ी सारा पैसा आपको सेव हो सकता है. तो क्या करना है, आप आईपी को चेंज कर दो. आईपी कैसे चेंज होता है, जैसे कि आपका मशीन में जो भी मैं आपकी जो मशीन है लैपी दूसरा यूज कर सकते हो, नहीं तो आपके लैपी से पूरा कुकीज और टेम्पोररी फाइल डिलीट कर देना, ठीक है. सेकंड टिप्स जो है आपकी, जैसे कि आप अभी मोबाइल से हम लोग वाईफाई मारते हैं ना, तो हर मोबाइल का जो कनेक्शन होता है उसका अलग अलग आईपी होता है. सो वोडाफोन के से आपने किया होगा तो रिलायंस का लगा देना तो आईपी चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट इज बेसिकली आप जब ऑर्डर दे रहे हो एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, और नहीं तो पापा का, मामा का और कोई की किसी का ब्रदर्स का आप ईमेल आईडी यूज कर सकते हो, उसी अकाउंट से आप ऑर्डर करो. और एड्रेस जो है वो घर का आसपास में अगर कुछ पिन कोड होता है ना 204 304 ऐसे कुछ होता है, अगर बगल वाला अगर 304 है आपके बगल में 305 है, अगर उसमें अगर उसका देवजानी का नाम बोल रहा है तो नहीं नहीं गलत हो गया तो इसमें मतलब यही घर है तो वो आपका पास आ जाएगा, बट वो 305 होने से ना वो आपका जो एड्रेस आपने एफिलिएट के लिए दिया था उससे डिफरेंस मिलेगा. तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स अ लिटिल बिट हम लोग अगर ट्यूनिंग करेंगे तो वहां पे फायदा हो सकता है, मतलब खुद के लिए. बाकी का तो डेफिनेटली व्हेनेवर यू विल शेयर, व्हेनेवर यू विल एज मच एज यू शेयर एज मच एज यू टेक्निक्स, मैंने बाद में दिखाएंगे कि कैसे उसमें बहुत सारे टेक्निक्स हम लोग यूज कर सकते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स को कैसे कितना अच्छे ढंग से हम लोग इस्तेमाल करके ये अमेजन के एफिलिएट और दूसरे एफिलिएट जो है उसको प्रमोट करके वहाँ से हम लोग को पैसा मिल सकता है, आई विल शो लेटर. बट इन स्टार्टअप आप क्या कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स जो भी वहाँ पे ऑफर आ रहा है ना, तो वो ऑफर में आप क्या करना, जो भी ग्रुप्स है आपके जो फ्रेंड्स है फेसबुक ग्रुप्स है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो.
विंटर का ये डिस्काउंट चल रहा है इस सेट में से, क्योंकि यू आर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि अमेज़न का अगर वहां पे 2 लाख प्रोडक्ट्स है और 5 लाख प्रोडक्ट्स है, वो 5 लाख प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो। दिस इज द यूएसपी, दिस इज द बेनिफिट्स। কথা বলতে পেরেছি? অর্থাৎ যদি 10 লাখ প্রোডাক্ট থাকে, ওই 10 লাখ সব 10 লাখ প্রোডাক্টই তোমার, মানে তুমি বেচতে পারো যে প্রোডাক্টই কিনুক না কেন তুমি কমিশন যদি তোমার লিঙ্কে তুমি কেন বোঝানোর উদ্দেশ্য এটা। তো ইস এ হিউজ পাওয়ারফুল ইউটিলিটি অর দ্য ফেসিলিটি ক্যান অ্যাডাপ্ট ইট লেটার অন। দেয়ার ইজ এ ফ্লিপকার্ট ভি পহলে বহুত ইজি থা, লাইকস ইজিলি আপকো ফ্লিপ মিল রাহা থা, আবি থোড়া ও পজ মে হ্যায়। There is another platform which is fantastic, जो वी कमीशन। वी कमीशन ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन है डायरेक्ट, मतलब अमेजोन प्रोवाइडर है, आप उसे एफिलिएट ले लो। अभी इसके बीच में मिडलमैन भी रहता है जिसको हम लोग मार्केट प्लेस बोलते हैं। वी कमीशन इंडिया में देयर इज अ कपल ऑफ कंपनी इज देयर, आउट ऑफ दैट वी कमीशन वर्क्स फैंटास्टिक। वी कमीशन जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या होता है ना, वो क्या कर रहा है, वो मिडिल मैन जैसे काम कर रहा है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से आपकी अमेज़न का वेंडर लिया हुआ है, फ्लिपकार्ट का भी लिया हुआ है, स्नैपडील का लिया हुआ है, डोमिनोज को लिया हुआ है, मेक माय ट्रिप है, सारा का सारा जो लीडिंग है ना वो उनके साथ जोड़ के, अभी उनके साथ उसका जो सेक्शन है, भाई मैं आपका प्रोडक्ट का सेल करा दूंगा और आपका मेरे बीच में जो कमीशन है वो शेयर होगा। और ये वी कमीशन क्या कर रहा है, वी कमीशन बोल रहा है आप एक एक जन के पास आप जाओगे, अकाउंट बनाओगे, उसमें आप प्रमोशन करोगे, सो आपके लिए ये हेडेक है, जैसे आप मैं, सो वो क्या कर रहा है, वो आप और मेरे जैसा, दिस इज अ बेसिकली दिया, दिस इज दिया, दिस इज राज, दिस इज मी, एंड वी आर ज्वाइनिंग वी कमीशन that to make sure ki v commission mere ko platform de raha hai jahan pe wo mere sath jud raha hai aur wo mere pe ek alag sa dashboard de dete hai aur usme I can access all the vendors to main itna sara vendors ko main promote kar sakta, samajh rahe ho na? So this is a very very utilityful, but ye v commissions aap amazon ka jitna jaldi aapko mil gaya tha utna jaldi milta nahi usually। pehle to ye blogspot jo free jo platform hai इसका वेटेज उतना रहता नहीं है, बट स्टिल पहले देता था, अभी भी कभी कभी वो कंसिडर कर लेते हैं, बट नॉट इन मैक्सिमम केसेस दे रिजेक्ट। वेबसाइट अगर होता है सो दे प्रेफर मोस्ट, बट नॉट ओनली वेबसाइट, उसमें ट्रैफिक होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मतलब आपके साइट पे जो भी ब्लॉग आप बना रहे हो उसमें अगर कंटेंट है, उसमें अगर ट्रैफिक है, विजिटर्स है, सो इन दैट केसेस अगर वी कमीशन में आप अप्लाई कर रहे हो दे विल अप्रूव इट। विदाउट कंटेंट, विदाउट ट्रैफिक वी कमीशन नेवर एवर अलाउ एज अ पार्टनर। समझ में आ गया सर? सो दैट इज बेसिकली यू हैव टू कीप इन माइंड इन अ लेटर। सो ये था लास्ट क्लास तक हम लोग यही किया था और थोड़ा टाइम हम लोग को मिला था जिसमें वी यूजुअली कम अप फॉर द यूट्यूब का एक चैनल बनाना था मेरे को, क्योंकि यूट्यूब का भी मेरे को स्टार्ट करना था, बिकॉज आई हैव थ्री टीममेट्स जो अलग अलग ढंग से स्पेशलिटी है, क्योंकि दिया का स्पेशलिटी ग्राफिक डिजाइनिंग और जो भी उनके पास नॉलेज है, एंड शी हैज शोन सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क एंड शी इज डूइंग फैंटास्टिक। आपके पास फोटोग्राफी का कुछ सोच है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ आपकी रियलाइजेशन है, एंड यू कैन डू सेम थिंग्स फॉर दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू आर डूइंग इट वेल एंड इफ यू आर मैनेजिंग इट, आपको वहां से काफी सारा इनकम मिलेगा, पक्का मिलेगा, बिकॉज दैट विल बी बेसिकली अट्रैक्ट पीपल्स, एंड वो अट्रैक्ट पीपल्स से अगर दो चार ऑर्डर आता है आपका यहाँ का पैसा आ जाएगा आपके हाथ से, जो भी पैसा आपने यहाँ पे खर्चा किया है एजुकेशन के पर्पज, बाकी का तो नॉलेज आगे में और भी प्रॉफिट में आएगा। सो वो ही टारगेट रहना है कि जो मैंने जैसे करके करता हूँ, जो क्लास में मैं बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे साथ जोड़ते हैं, सो क्योंकि ये एक फैमिली बन जाता है, जो भी इससे एनएचएसएम फैमिली एंड नाउ अलोंग विथ मी और मेरा जो एक फैमिली, सो ये क्लब टुगेदर होके एक लॉन्ग टर्म में हम लोग खेलेंगे, लॉन्ग टर्म में ये रिलेशंस हम लोग म्यूचुअल बेनिफिट्स में जाएंगे, क्योंकि
जो मेरे पास है, जो आपके पास है, अगर क्यूमुलेटिव हो जाता है तो हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं। इन दैट केसेस व्हाट आई ऑलवेज टेल, आप जो भी पैसा लगाते हो एडुकेशन में, जो भी पैसा देते हो, ये चाहे 10,000 है या चाहे 10 लाख है, जितना भी अमाउंट है, टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट। मतलब थोड़ा मतलब ये कहावत है, बिकॉज दैट इज आप उसी हिसाब से जो गुजराती जो फैमिली होता है, आई एम नॉट से मतलब ये सुनते आया है और रियलाइज करते आया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। जो वो लोग बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है ना, मतलब वो थोड़ा बिजनेस को बहुत अच्छे ढंग से समझता है। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि भाई आप जो पैसा दे रहे हो, जितना पैसा हो, 10,000 हो, 50,000 हो, जो भी कॉस्टली, वो तो कॉस्टली है, बट डोंट टेक इट एज ए कॉस्टली, टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट। आप जितना पैसा लगा रहे हो, अगर आपकी नॉलेज उसी पैसा को आपको हरा देता है, बाकी का तो नॉलेज आपको तो छीन नहीं सकता, जेटा तुम्हें सीखे छो, जा सीखिए सी दो दिन जा सीखिए सी एटा ए नॉलेज टा किंतु तुम्हारे থেকে পৃথিবী থেকে আর কেউ নিতে পারবে, তোমাকে যদি গলা এখানে চিপে ধরে, যেটা একটা আমার আমার যে গুরু ছিল মানে স্কুল লাইফে, ও একটা খুব সুন্দর এক্সাম্পল দিয়েছিল, আই ওয়ান্ট টু শেয়ার ইট এন্ড আই ওয়ান্ট টু টেস্ট উইথ রাজ। ये क्या है राज? गेट है। सच में सच्चे ढंग से देखो तो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ क्लास ओपन, हाँ हाँ क्लास ओपन है। कौन बोल रहा? मोनिका बोल रहे ना? मोनिका मैं तो थोड़ा इनिशिएशन में हूँ, मैं 4 बजे के अंदर वहाँ पे आएंगे। ऐसे तो ये है, टीम है, तीशा है, तीशा वो जाएगी, ठीक है? आप 1 बजे जा सकते हो। फॉर माई अवेलेबिलिटी आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, श्योर, थैंक यू। सो थोड़ा अच्छे ढंग से देखो तो क्या है, अच्छे ढंग से देखो, देख पा रहे क्या है? थोड़ी है सच्ची डोर এখন ওকে যদি তুমি গলা চিপে ধরো, একদম ডেথ, অলমোস্ট ডেথ, মানে ডেথ এর জাস্ট অ্যাকচুয়াল আগে পর্যন্ত এ কিন্তু ডোরিই বলবে, এটাকে জানলা বলবে না, এটাকে বিছানা বলবে না, বিকজ হি লার্ন ইট, এ ইনকে দিমাগ মে আ গেছে। यहाँ पे वो जितना आप इसको अगर गोली भी मार दो, वो ये डोरी ही बोलेगा। दिस इज सो कॉल्ड नॉलेज। अगर नॉलेज ऐसे बन जाता है तो जिंदगी का कोई टेंशन नहीं रहता है, करियर का कोई टेंशन नहीं रहता है, दैट इज अ नॉलेज। तो अगर सीख जाओ तो किसी ने आपसे वो चुरा नहीं सकता, आपका पैसा चुरा सकता, आपका सामान चुरा सकता है, बट नोबडी कैन स्टील योर नॉलेज। सो पहले वो तो है कि जो हम लोग यहाँ पे 3 महीने का जो भी टाइमिंग आप लोग को मिला है, ट्राई टू सेल इट योरसेल्फ, ठीक है ना, जितना हो पाए, एंड ट्राई टू अर्न मनी, जितना आपने पैसा लगाया वो पैसा उठाओ, ठीक है ना, उठाओ, रेस्ट इज योर्स, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोग आज का जो सेशन रहेंगे उसमें तो एक ट्राई मानेंगे, क्योंकि यूट्यूब जो है उसको हम लोग स्टार्ट करना है। सो यूट्यूब का एक चैनल बनाने का वो हम लोगों का आज का प्लानिंग रहेगा, चाहे जितना हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी है, वो एक हम लोग आज आपको एक आइडिया दे देंगे कि कैसे एक वीडियोस बहुत इजी ढंग से बन सकता है, कैसे एक वीडियोस आप यूजर्स के सामने रख सकते हो, एंड हाउ यू कैन बी अ व्लॉगर। ये एक नया टर्म्स है, ब्लॉगर हम लोग सुन रहे थे, अभी ब्लॉगर बन गया, व्हिच इज अ वीडियो ब्लॉगर, मतलब वीडियो ब्लॉगर जो है उसको ब्लॉगर बोलते हैं, जो वीडियो क्रिएट करके भी आप नॉलेज शेयर कर सकते हो। ब्लॉग में हम लोग वही करते हैं ना, नॉलेज शेयर करते हैं विद द राइटिंग, यहाँ पे वीडियो में आपको नॉलेज शेयर होगा। सो आप बन जाओगे ब्लॉगर, ठीक है। सो ये ब्लॉगर का जो जर्नी है वो कैसे कर सकते हो, वो आज की क्लास से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट
Second is basically what I would like to contribute today. Vision नहीं आया and I would like to अगर sequence के हिसाब से हम लोग चले तो आज हम लोग keyword research से हम लोग शुरू कर देंगे क्योंकि keyword research is a very very vital topics and उसके practicality हम लोग सीख लेंगे and SEO अगर हो पाए तो SEO का हम लोग स्टेज पे आ गए हैं कि SEO हम लोग शुरू कर सकते हैं मतलब डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट जो मूवमेंट है वो मूवमेंट में हम लोग आज स्टार्ट पॉइंट हम लोग कर सकते हैं ठीक है ना तो कीवर्ड रिसर्च होगा कीवर्ड रिसर्च के तुरंत बाद हम लोग आ जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट यूनिट्स फर्स्ट बुक व्हिच इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड व्हिच इज मोस्ट ओल्डेस्ट पीपल Among the all, so that is the basically आपका SEO. So SEO क्या है, कैसे करते हैं, कैसे start हो सकता है, क्या-क्या technologies है, वो आज की class के हिसाब से हम लोग को clarity मिल जाएंगे and हम लोग काम शुरू कर सकते हैं. अगर ये मिल जाता है, ये शुरू हो जाता है, ये काम खत्म होने के बाद हम लोग और earning आपको start कर देंगे, वो है फ्रीलांसिंग जो माइक्रो जॉब्स था ना हम लोगों का रिमेंबर आप लोगों को पहले दिन जो बोल दिया था ना जो जो साइज है उसमें रजिस्ट्रेशन करके रखना है क्योंकि उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेंगे मेरा काम है आपको फायदा दिखाना ठीक है सो आपको गाइड करना आपको सही रास्ता दिखाना कि भाई ये कर सकते हो आप ये अभी पॉसिबल है आपको वो हिम्मत और वो आपके जो जोश है उसको आपको सही ढंग से सही प्लेटफॉर्म में उसको पुश करना सो आप अगर ये रेडी नहीं करके रखोगे सो क्या होगा ना मेरे पास वो हाथ में मतलब कुछ नहीं है जितना आप सपोर्ट दोगे उतना आगे हम लोग बढ़ पाएंगे सो मेरे लिए आपकी जो रिक्वेस्ट रहेंगे जो भी मैंने प्रोसेस आपको दिखा रहा वो थोड़ा थोड़ा ट्यूनिंग करके रखना लास्ट क्लास में आप नहीं आए थे राइट ना तो आपके ब्लॉग्स बना रहे थे अभी ये अगर ब्लॉग नहीं क्रिएट करके रखते तो क्या होगा हम लोग को फिर से वो ब्लॉग का करना पड़ता फिर से इंप्लीमेंट करना पड़ता तो ये झंझट तो दिस इज क्योंकि ये मेरा जो क्लास है वो प्रैक्टिकल में कर मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा आई रियली नीड टू प्रैक्टिकल क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जो सिखा हुआ है मेरे को टेक्निकली जो ये डिग्री वो डिग्री एंड आई एम नॉट लाइक दैट आई एम अ वेरी ग्राउंड लेवल मैंने मेरा मार्केटिंग सीखा है डोर टू डोर सेल्स करके एंड दैट इज अ टाइमिंग 96 एग्जाम्स देने के बाद सो दैट इज अ बेसिकली 96-98 में मैं वो मेरा मार्केटिंग फर्स्ट वहां से सीखा जो मैं बहुत शाय था जो दर दिया कथा बोलती आई वॉज नॉट लाइक दैट मतलब 9-10 जो कि मेरे पास वो था कि मेरे मैं हमारे समय तो आरो एक्टिंग तो अनेक तुमरा आई लाइक द राइट नाउ जे एनवायरनमेंट राइट नाउ जे एजुकेशन एनवायरनमेंट राइट नाउ द छेले मेरे मोले जे बॉन्डिंग आई लाइक वेरी वेरी मच एंड आई होप इट शुड बी इन आवर टाइम সো আমাদের সময় মেয়ে একটা আতঙ্ক মানে মেয়ে আতঙ্ক মানে হচ্ছে মেয়েদের কাছে ছেলেরা একটা আতঙ্ক ছেলেদের কাছে মেয়েরা একটা আতঙ্ক কিভাবে আতঙ্ক মানে মানে ওই যে কথা রিলেশনস এটা শুধুই মানে মানে ধরো মেয়েদের সাথে কথা বললে মানে ওই ভালোবাসা থাকবে তবেই কথা বলবো বা বিয়ে করতে হবে তবেই কথা বলবো মানে সাইকোলজি ওয়াজ সামথিং ডিফারেন্ট मतलब एक लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकता है और बहुत अच्छे पार्टनर हो सकता है और एक लड़का जैसा हो सकता है वो जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट उस समय आई एम नॉट टू मच ओल्ड बट 96 और 94 उसके बीच में उतना था नहीं ट्रूली मैं शायद मैं बारासत से बिलोंग करता था वहां पे नहीं था शायद सिटी से मतलब यहाँ पे सिटी में था या साउथ में था व्हाटएवर नहीं था सो धीरे धीरे मैंने जैसे आगे बढ़ा वो जैसे मार्केटिंग में हम लोग मेरा वो था कि मैं इंग्लिश मूवीज देखता था मतलब वो तो इंग्लिश मूवीज में आप देखना कि वहाँ पे बहुत इंस्पायरिंग जो था रहता था ना कि स्टूडेंट लोग हमारे एखे के बोले धरो माध्यमिक परीक्षा शेष हो हायर सेकेंडरी परीक्षा मामार बाड़ी चले जाए ওখানে যাই এখানে যাই ঘুরতে যান তো সাপোজ টু দে আর ইউজুয়ালি গো ফর দা এনি জবস মেবি দা ম্যাকডোনাল্ডস মে মেবি দা কেএফসি মে ও পয়সা আর্নিং করতে তো পয়সা একত্রিত করকে ও লোক ঘুরতে যাতে মতলব দ্যাট ইজ দা থিং সো মেরে দিমাগ মে ও বিবাস গিয়া থা তো মেনে কিয়া কিয়া হাই সেমি কে বাদ মেনে বেঠা নি মেনে ইমিডিয়েট ও জবস মে অ্যাপ্লাই কিয়া তো উস সময় তো জবস কিয়া মিলেগা
उस समय वो जो पेपर पे आता है ना सामान का जो जॉब्स आता है, तो सूट फूट करके कटाई कर लगा के सामान बेचना। सो आई स्टार्टेड माय पार्ट फ्रॉम देयर। सो उस समय जैसे मैंने किया था, उस समय वो था कि म्यूजिक्स में डायलर मेहंदी का जो बहुत पॉपुलर आइटम आ रहा था, तनक तनक तुम, दैट वॉज द पॉपुलर सॉन्ग एट दैट टाइम। सो मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था ओएसिस मार्केटिंग ग्रुप फुल गागन में। तो वहाँ पे बहुत मतलब সারাদিন তো কাজ করে মার্কেট থেকে যখন আমরা বাড়িতে মানে অফিসে ফিরতাম, অফিসে জয়েন করতে হতো, কারণ প্রোডাক্ট নিয়ে সারাদিন নিয়ে করে আবার ওটা ডিপোজিট করতে হতো, যা যা স্পেয়ার ছিল বা যা যা পড়ে থাকতো সেগুলো। তো আমাদের কি হতো, এরকম একটা হল ঘর থাকতো আর মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে দিত, ঠিক আছে, সবগুলো রিভিউ ফিভিউ মিটিং হওয়ার পরে মিউজিক সিস্টেম চালিয়ে দিত। চালানোর পরে ওখানে ঘন্টা ছিল, ওনার যা মোস্ট হাইয়েস্ট সেলার উইল রিং দ্য বেল। তো রিং দ্য বেল ইজ আ প্রেস্টিজিয়াস সাইন, মতলব জো বাজা রহা হো বেল মতলব ও আজকে লিয়ে হাইয়েস্ট অফার সেলার, সমঝ না, ও এক প্রেস্টিজ হে। তো ও ইয়ে রাতা তা মিটিং মিটিং হো গিয়া আর ডালে মেহেন্দি কা গানা স্টার্ট হো গিয়া আর অন্ধকার হয়ে গেল। ওই মানে মিনি ডিসকো টাইপের বানাই দিত, এবার সবাই নাচ। তো আমরা বারবার এবার সেখানে ছেলে মেয়ে সবাই নাচ গান করছে। সো উই আর সাপোজ টু বি ভেরি শেকি, আমি আর আমার এক বন্ধু গেছিলাম, সো আমরা কোনায় দাঁড়িয়ে গেলাম। So, there is a one team leader, she was leading, and okay, go no, oh, hand dhore tene, kya bhi to tumhaan pe kya khala hai, matlab chal enjoy kar, kya hai. So, then we come up, and then wo ladki mere ko jo seekh diye the, life mein, matlab Monday ke pehle bhi mere ko yaad rahega, and that was my turning point, and that is my lessons, that is my learning, and she said that the most incredible lessons what I found from there, which is basically, aap agar kisi ko aankh se aankh mila ke baat nahi kar paoge aur na nahi karte ho, so that means you are not at all trustworthy, vice versa. Aankh se aankh mila ke baat karna ek trust banta hai, ek confidence banta hai. अगर किसी के ऊपर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, और रेदर आई कैन से यू आर नॉट ट्रूली ट्रस्टवर्थी इन एनी सेंस, आप आग से आग मिला के बात नहीं कर पाओगे। एंड वो बोल रहे कि और हम लोगों को क्या सीख था, आपको पापा मामा को पूछना, ये सीख था हम लोग को, ये बड़ोदे चौके चौके कथा बोले भी ना, मान लो बड़ोदे चौक रेखे गाँव गाँव में वो शायद है कॉन्सेप्ट, हाँ है ना, तो आप में तो हम लोग वही सीखा था। बट एक्चुअल में वो है कि आप अगर आप में आप नहीं मिला रहे हो, यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट ट्रस्ट होते। एंड मेरे को तो हम बोला दैट मेरा तो हम इट्स नॉट ऑलवेज व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा एटा होबे ओटा होबे बाय एटा एटा। सो वी आर आल्सो बी फ्रेंड। ওই সময় থেকে আমি আস্তে আস্তে করে মেয়েদের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলাম, পরিচয় হলো, দেন দা আই কন্ডাস আই ফিল কনফিডেন্ট। সো এই ছোট ছোট যে কাম ভি হতা না, ওয়া সে কাফি সারা নলেজ মিল জাতা, শায়দ ও মেরে লাইফ কা এক হিসা রা, এন্ড দ্যাট ইজ দা ওয়ে বেসিক্যালি আই কেম ইনটু দা ফিল্ড। দেন গ্র্যাজুয়েশন কিয়া, ইমিডিয়েটলি গভর্নমেন্ট জবস মিলা, তারপর আই সে দিস কোর্স, আই ওয়াজ আ টিচার, আই লেফট, আই ওয়ার্ক 2 ইয়ার্স গভর্নমেন্ট জবস, আই ডিডন্ট লাইক that kind of like so concepts, kamki ekhi syllabus ekhi jinish ekhi thing like that. NIT ke ga tha, NIT I was in ex NIT, matlab NIT ka course kiya tha aise nahi karte karte ba. So I joined NIT as a coordinator, district coordinator, seven districts samala, then joined into the transfer ho gaya tha ye mein असम में। उस समय 2004 में ये बहुत स्ट्रगल पीरियड था, मतलब वो अल्फा जंगी और ऐसा कुछ था उस समय। वो छोड़ा, देन कम अप विद अगेन इनटू द कोलकाता में जॉब, सब्जेक्ट्स वर्टिकल लीफ ब्रेनियस एफेक्ट ये सारा करके देन स्टार्ट माय ओन फ्रॉम द 2007। तो ये जो जर्नी का जो सर्किल रहा, ये सर्किल का बीच में जो भी सीखा है वो है,
आप तभी आगे जा पाओगे इफ यू आर रेस्पेक्टिंग समवन्स, इफ यू आर हेल्पिंग समवन्स। अगर आप जो भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो भी फेलियो अभी का अभी जो मैं अभी आपके सामने जो खड़ा है, सो इसमें ऑलमोस्ट आई हैव रन मोर देन 14 बिजनेस सो फार, 14 टाइप का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग मेरा ब्रांड था रिपेयर मंत्रा, जहाँ से मैंने प्रोडक्ट जो मोबाइल अच्छा ना मोबाइल शार्प और जिनिशो आई हैव मतलब आई हैव क्रिएटेड दैट थिंग्स। आई हैव सोल्ड लकी, मतलब आप जो लाओ है ना ऑनलाइन लाओ चीनी मास लोटे मास भी बिक्री कर सी। सो आई एम अ सेलर, आई एम ये जो डिजिटल मार्केटिंग आपको जो नॉलेज देता है ये आप कुछ भी सेल कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी नॉलेज है आप कोशिश करना कि उसको यूटिलाइज करके आप भी उसी ये बीच में जो 3 माइंड्स का जो कनेक्शन है उसमें आप सीख जाओ, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो जो भी आपको हेल्प चाहिए आई एम देयर ऑलवेज स्टैंड बाई विद यू, सो दैट आप बट आप करना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा, आपका भी एक जुनून रहेगा। तो दैट इज द बेसिकली द रीजंस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये कीवर्ड रिसर्च और एसईओ जैसे सीख जाता है ना, वी आर कैपेबल टू डिलीवर, वी आर कैपेबल टू डिलीवर सर्विसेज टू क्लाइंट। बहुत सारा कंपनी को ये एसईओ सर्विसेज का जरूरत होता है, कीवर्ड रिसर्च का जरूरत। एसईओ में 10 ढंग का मिनिमम 10 टाइप ऑफ एक्टिविटीज तुम करते पारबे, माने लिंकडइन এর এতগুলো আছে না যে মানে অনেক ছোট ছোট কাজ আছে যেগুলোকে ফ্রিল্যান্সিং এ পাবে। ফ্রিল্যান্সিং এর মাইক্রো জব সাইট যেমন ফাইবার, ওই ফাইবার থেকে তুমি কাজটা উঠাতে পারো, তো তোমাকে পুরো ক্লাসের জন্য ওয়েট করতে হবে না, তুমি এখান থেকেই আর্নিং একটা স্কোপস তুমি পেয়ে। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক্যালি we will try our level best to start earning from these segments also, जैसे करके Amazon में हम लोग दिखा रहे। So आज का जो जानी है वो start किससे करें, keyword research SEO से start करें या video से start करें, मतलब यही करना है पहले हम लोग। कौन सा करो video तो ही दिखे ना जब देखो हमारी प्रथम ही करो ना video तो last दिए करो आगे इनका trend technical part तक share करो। Sir video तो last video तो last last চলো ওখানটা মেশিনে তো ওটা প্রচন্ড স্লোর রেকর্ডিং হয় না, আমাদের আমরা এখানে বসেই আমরা করে নিতে পারি, তো ওখানে ওটা দরকার নেই, ঠিক আছে। সো বিফোর স্টার্টিং লাইক দিস সেশনস লাইক ডিজিটাল মার্কেটিং কা জো ভি কিওয়ার্ড রিসার্চ কে হিসাব সে হোগা, মে প্র্যাকটিক্যাল আপকো দিখাঙ্গে লাইভ দিখাঙ্গে ক্যা করনা হ্যায় ক্যাসে করনা হ্যায় ক্যাসে ক্যা ক্যা হ্যায়। I usually like to share some informations जो आपके आगे में फायदा होगा। ये डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आपने कंपोनेंट्स देखा था फर्स्ट क्लास में, मैंने दिखाया था कि SEO, PPC, सोशल मीडिया काफी सारा कंपोनेंट्स है। इसमें फर्स्ट कंपोनेंट में जो स्टार्ट करता हूँ वो है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, जो एक SEO का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। एंड नॉट ओनली द SEO, फॉर द अदर कंपोनेंट्स लाइक PPC में, सोशल मीडिया में, वीडियो जब आप मार्केटिंग करते हो उस समय वहां पे भी आपको ये कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये सिर्फ कीवर्ड रिसर्च का, फायर में जाके आप अगर देखोगे अभी का अभी देखोगे देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, जो आप कीवर्ड रिसर्च दूसरों को दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो की कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड की वाट की माने चाबी, वाट शब्द, তাহলে এমন একটা শব্দের চাবি যে শব্দের চাবিটা আমাকে সাকসেস খুলে দেবে, সাকসেস এনে দেবে, দ্যাট ইজ অল অফ দ্য কিওয়ার্ড। ये কিওয়ার্ড और অনেক নাম से जाना जाता है वो की फ्रेजेस, कभी कभी किसी किसी बुक्स में किसी किसी टीचर्स में आपको की फ्रेजेस भी सुना जाएगा। लॉट ऑफ पीपल्स आर बेसिकली डिफाइन इट एज अ की फ्रेजेस, कीवर्ड की फ्रेजेस सेम कॉन्सेप्ट से ही तो जावे बस सर्च टर्म्स, सर्च टर्म्स এটা কে কি ফ্রেজেস নামও দিতে পারো। আরেকটা অনেকে ডাকে সার্চ টার্মস, সার্চ টার্মস অর্থাৎ যে টার্মস বা যে টার্মিনোলজিস বা যে কন্টেন্ট সার্চ করে, লোকে সার্চ করে, কোথায় সার্চ করে না different search engines, right? Different search engines. Which search engines? Like Google, like Bing, like Yahoo, like blah blah blah. तो लोग
যে জিনিসটা সার্চ করে, আমরা নর্মালি যে ইউজার্স বা এই কিওয়ার্ড রিসার্চের সময় যে জিনিসটাকে আমরা মাথায় রাখি, যেটা এই কারণে ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন এসিওটা করি, এই এসিওটা করি, এসিওতে কি করি, এসিওতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ক্লাস থাকে যে যখন আমরা গুগলে বা বিং বা ইয়াহু যে সার্চ ইঞ্জিনগুলো আছে, সেখানে যখন কোনো কেউ একটা টার্মস দিয়ে সার্চ করছে, কোনো কেউ একটা টার্মস দিয়ে সার্চ করছে, কোনো একটা টার্মিনোলজিস দিয়ে সার্চ করছে, ফর এক্সাম্পল দিয়া ইজ এ বেসিক্যালি গ্রাফিক ডিজাইনার, রাইট? সো লোক সার্চ কর রহা হ্যায় লোগো ডিজাইনার ইন কলকাতা, রাইট? মেবি সাম পিপলস আর লুকিং ফর দ্য বেস্ট টপ লোগো ডিজাইন ইন কলকাতা। আগের ইসি টার্মস মে অর টার্মিনোলজিস মে কিওয়ার্ডস মে আগের दिया का जो साइट है, वो साइट अगर यहाँ पे 10 जो लिस्टिंग मिलता है, ये लिस्टिंग के अंदर अगर उसका रैंकिंग आ रहा है, अगर यहाँ पे उनको रैंकिंग मिल रहा है, सो इन दैट केस ये जो विजिटर्स है उनकी साइट विजिट करेगा। अगर विजिट करेगा तब जाके क्या होगा, विजिट करने के बाद दैट दिया का जो भी ऑफर है, दिया का जो काम है, दिया का जो पोर्टफोलियो है, वो बंदा देख पाएगा, देखते पाएगा। देखने की हमें যে দেখলে ও তখন ইন্টারেস্ট আসবে, সে ইনকোয়ারি করবে, জিজ্ঞাসা করবে, চ্যাট করবে, ফর্ম ফিল আপ করবে। সো ইয়ে ইম্পর্টেন্ট হ্যায় কি মেরে সাইট কে লিয়ে ক্যা ক্যা টার্ম আচ্ছা হো সকতা হ্যায় অর ক্যা ক্যা টার্ম সে মেরে সাইট পে বান্দা আ সকতা হ্যায়, ইয়ে জানা বহুত জরুরি হোতা হ্যায়। ऐसे तो एक एक टर्म्स का, যেমন আমরা বলি যে আমাদের একটা প্রচলিত ভাষায় টার্মস আছে যে এক দেশের গালি আর এক দেশের বলি, অর্থাৎ কহীন পে জো ভি হাম লোগ বোলতে হ্যায় ও এক জো ভি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ হোতা হ্যায় দুসরা জগহ পে ও মতলব ও স্ল্যাঙ্গ ইউজ হোতা হ্যায়। সো ইন দ্যাট কেসেস হাম লোগ ভি ইয়াহাঁ পে ও জাননা বহুত ইম্পর্টেন্ট হ্যায় মেরে বিজনেস কে লিয়ে ক্যা ক্যা টার্মস পারফেক্ট হ্যায়, সুইটেবল হ্যায়। Or not only that, because I am run by the my clients, my visitors, the website run by the visitors. Amra website keno baniyechi visitors er jonno, tale visitors jeta search korche seta jodi ami khuje ber korte pari, visitors jeta pochondo korche seta jodi ami khuje ber korte ar seta ke jodi ami diye amar website ke jodi rank korate pari, tahole shekhane amar success onek taratari dhara debe, onek taratari ashbe, and that is the process of the SEO. ऐसे में हम लोग वही करते हैं, जो मेरा टारगेटेड कीवर्ड है उसमें हम लोग काम करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है जो हम लोग आगे में जाके आई विल शेयर इट। सो ওখানে কি জানতে পারবে, ওখানে জানতে পারবে যে কি প্রসেসের মাধ্যমে তোমার ওই কিওয়ার্ড গুলোকে র‍্যাঙ্ক করতে পারবে। তো প্রথমে আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কিওয়ার্ড, কারণ হচ্ছে কি ওই কিওয়ার্ডটা যদি না জানি তাহলে আমার ওয়েবসাইটের জন্য কোন কোন টার্মস দিয়ে আমি টার্গেট করব, কোন কোন টার্মসে আমার ওয়েবসাইটটাকে র‍্যাঙ্ক করলে আমার বেনিফিট আসবে, সেটা আমার কাছে অধরা থেকে যাবে। তো ফার্স্ট আমাদের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে যে এই 10টা কিওয়ার্ড, এই 15টা কিওয়ার্ড, এই 20টা কিওয়ার্ড আমি টার্গেট করছি, যাতে করে আমার ওয়েবসাইটে যখনই কেউ সার্চ করবে সেটা গুগলে ফার্স্ট পেজে আসবে, বুঝতে পারলাম? তার জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি ইজ এ কি ফরওয়ার্ড টু গেট সাকসেস, দ্যাটস ওয়াই ইজ এ কিওয়ার্ড। এন্ড রিসার্চ কিউ বলতে কিউকি ইসমে কাফি সারা রিসার্চ জো টার্মস ইউজ হোতা হ্যায়, রিসার্চ টার্মস ইউজ হোতা হ্যায় কি জব আপ বহুত সারা অ্যানালিসিস করকে, বহুত সারা ফাইন্ডিংস করকে আপকি ডিসিশন লে লো, ওই তো রিসার্চ হোতা হ্যায় না, বহুত সারা সার্চ করকে ইয়ে ও ইয়ে এসে ওকে ফাইন ইয়াহাঁ সে ইয়ে মিলা, ইয়াহাঁ সে ইয়ে মিলা, ইয়ে টোটা ইয়াহাঁ সে মেন ইয়ে লেনা, সো দ্যাট ইজ এ রিসার্চ। সো দ্যাটস ওয়াই টু আইডেন্টিফাই বেস্ট ও রিসার্চ ওয়ার্ড ইউজ হোতা হ্যায়। এটা একটু চালিয়ে বেশি চলছে কি না, সো ইহাতে আমি গেটিং দ্য ক্লাস। সো ইন দিস কেস ये कीवर्ड रिसर्च का जो फर्स्ट काम जो होता है वो पर्टिकुलर, देयर इज अ कपल ऑफ टूल्स जो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, बट नोट इट डाउन, देयर इज अ टूल्स जब आप गूगल में सर्च करोगे कीवर्ड रिसर्च टूल्स,
सो इसमें काफी सारा आपको कीवर्ड टूल्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत पॉपुलर है गूगल कीवर्ड प्लानर बीइंग कीवर्ड प्लानर देन यू कैन गो अहेड फॉर द वर्ड ट्रैकर then you can go ahead for the like there is a keyword tool.io okay and there is a plenty of keyword tools is available now Ubay suggest another one ye nail part of the Uber suggest मैं जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये सारा का टूल्स आपको दिखा देंगे सो ये जो टूल्स गुलो আছে এছাড়াও প্রচুর টুলস আছে डिफरेंट डिफरेंट কোম্পানি যখন গুগল কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলস নেবে বা কিওয়ার্ড রিসার্চ বা কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলস কিওয়ার্ড এসইও কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলস এভাবে যখন তুমি দেবে তখন পার্টিকুলার বিভিন্ন এরকম টুলস গুলো পেয়ে যাবে যে টুলস গুলো দিয়ে তুমি naturally তুমি কাজ করতে পারবে এই রিসার্চটাকে করতে পারবে সো হোয়াট উইল ডু বিফোর ডুইং দ্য রিসার্চ ওয়ার্ক আই ইউজুয়ালি গাইড সাম স্টেপস কিওয়ার্ড রিসার্চ করার আগে আমি কতগুলো নরমালি স্টেপস আমি গাইড করি কি কি স্টেপস গাইড করি সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমি যদি দেখিয়ে দিই তাহলে ওটা আরো বেটার হবে সো আমি প্র্যাকটিক্যালি এবার প্র্যাকটিক্যালি আমি চলে যাচ্ছি যেখানে আমি প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে কি করা যায় हाँ सर क्रिएट करो मेडिसिन करो ना